अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिजियोलॉजी के हिसाब से इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और क्या कंपोनेंट्स हैं इसके। वी नो हमारे पास बॉडी में मेनली दो सिस्टम्स वर्क करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम वाइडली क्लासीफाई करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपको पता ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, इसको हम क्लासीफाई करते हैं एक सोमैटिक में, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है सॉरी, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें आपकी सारी नर्व्स वगैरह आ जाती हैं। हमारे बॉडी में दो मेन सिस्टम्स जो रन करते हैं, दोनों कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। उसमें एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक वो होता है जो बॉडी के सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो है जो बॉडी के कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, जिसको हम वॉलंटरली कंट्रोल कर सकते हैं। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जो हमारे बॉडी और वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कर देते हैं, जैसे ऑटोनॉमिक इसका नाम है। फिर ऑटोनॉमिक को हम मज़ीद दो में डिवाइड करते हैं। तीन तरह की क्लासिफिकेशन होती हैं जिन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो और में डिवाइड कर देती हैं। अगर देखा जाए फंक्शनली या फिजियोलॉजिकली, तो एक है हमारा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, फियर फ्राइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो आप सबको पता है, और दूसरा है आपका पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि हर रेस्ट की कंडीशन में होता है। जब हम सो रहे होते हैं, जब हम बहुत सुकून से मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहे हैं। जब हमने अचानक से अपने पास एक देख लिया भागते हुए, तेज़ तेज चल रिंगते हुए आते हुए सांप को, उस टाइम जो सिस्टम एक्टिवेट होता है वो सिम्पथेटिक होता है, इन फियर फाइट और फ्राइट। देन एक और तरह से देखें तो हमारे पास जो सिस्टम कोलिनर्जिक होता है और एक होता है एड्रिनर्जिक, ठीक है, रिसेप्टर्स के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया। कोलिनर्जिक वो होता है जिसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज होती है, एड्रिनर्जिक वो होता है जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होती है। और एसिटाइल कोलिन बेसिकली जो मेनली रिलीज होती है पैरासिम्पथेटिक में, सारी एसिटाइल कोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन वाले को हम सिम्पथेटिक कहते हैं। डिटेल में अभी आके बताऊँगी कि इट इज़ नॉट ऑल ऑफ द कोलिनर्जिक और एड्रिनर्जिक के हिसाब से रिलीज, सारी की सारी नहीं है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब एक उससे भी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। चलें, बात ये हमारे पास कि कोई भी सिम्पथेटिक नर्व जब वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है वो किस पाथवे में जाती है, और उसके बाद निकलने के बाद उसका पाथवे क्या रहता है। अच्छा, तो क्या क्या तरीके हैं कैसे जाती है। सपोज़ अभी आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अलावा एक आपके पास होता है जी, जैसा हमने नेट में पढ़ा है कि सिम्पथेटिक चेन होती है जिसमें कोई ना कोई कोई भी चीज़ आके सिनैप्स कर सकती है या फिर नहीं कर सकती या फिर यहाँ से गुजर के जा सकती है। एक तीसरी चीज़ होती है आपके पास, ये है आपके पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया, सिम्पथेटिक चेन को पैरावर्टेब्रल गैंग्लिया भी कहते हैं। एक आपके पास होते हैं प्री वर्टेब्रल गैंग्लिया, सारी एनाटॉमी की बातें और मैं आपको एनाटॉमी वाली वीडियोस में बता चुकी, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करी। प्री वर्टेब्रल गैंग्लिया वो होते हैं कि अगर इस सिम्पथेटिक चेन में कोई नर्व सिनैप्स ना करे तो फिर इन प्री वर्टेब्रल गैंग्लिया में सिनैप्स करके तो इफेक्टर को सप्लाई करती है। याद रखना, किसी भी नर्व ने सिनैप्स करने के लिए उसका पोस्ट गैंग्लियोनिक होना किसी भी इफेक्टर को सप्लाई करने के लिए किसी नर्व का पोस्ट गैंग्लियोनिक होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी नर्व जब तक पोस्ट गैंग्लियोनिक नहीं होती तब तक वो किसी भी इफेक्टर को सप्लाई नहीं कर सकती। अब सी, स्पाइनल नर्व निकली फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पहला रास्ता ये है कि स्पाइनल कॉर्ड से जब भी निकलेगी, याद रखना ये तो कॉमन सी बात है, मैं क्या इसे बार बार रिपीट करूं कि हमेशा स्पाइनल नर्व से जब बाहर निकलती है लैटरल हॉर्न से निकलती है, सिम्पथेटिक या पैरासिम्पथेटिक नर्व, सिम्पथेटिक नर्व्स मेनली स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकलेंगी तो वो स्पाइनल नर्व के अंदर ही निकलेंगी, फ्रॉम द अलॉन्ग विद द एंटीरियर रूट ऑफ स्पाइनल नर्व के साथ ही बाहर निकलेगी। बाहर निकल के जब ये आएगी तो ये स्पाइनल नर्व को छोड़ती है और वाइट रमाई कम्युनिकेंस के जरिए ये आ जाती है इनसाइड द ये सिम्पथेटिक चेन। ये कॉमन पाथवे है, कोई भी स्पाइनल नर्व जो होती है वो जब बाहर आती है विच इज सिम्पथेटिक इन नेचर, वो बाहर आएगी, इसको छोड़ेगी स्पाइनल नर्व को, ग्रे वाइट रमाई कम्युनिकेंस के जरिए सिम्पथेटिक चेन में आ जाएगी। अब इससे आगे वो क्या क्या कर सकती है, पहला रास्ता ये कि वो जिस जगह आई है उसी जगह सिनैप्स करे और डायरेक्टली यहाँ पर सिनैप्स करने के बाद जैसे पोस्ट गैंग्लियोनिक होके टुवर्ड्स इफेक्टर चली जाए, लेकिन स्पाइनल नर्व में जिधर से वो आई थी पहले उसमें ट्रेवल करके नहीं, अलग पाथवे लेके चली जाए टुवर्ड्स द इफेक्टर और उसको सप्लाई कर दे, पहला रास्ता। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि स्पाइनल नर्व निकली है उसी तरह से एंटीरियर हॉर्न के साथ आई है, ग्रेटर रमाई कम्युनिकेंस के जरिए सिम्पथेटिक चेन में आ गई है, यहाँ पर जिस गैंग्लिया में आई है उसमें उसने सिनैप्स नहीं किया बल्कि या तो ऊपर चली गई है सिम्पथेटिक चेन में या फिर सिम्पथेटिक चेन में ट्रेवल करके नीचे आ गई है, और ऊपर या नीचे वाले किसी गैंग्लिया में उसने सिनैप्स किया है और फिर चली गई टुवर्ड्स द इफेक्टर, लेकिन स्पाइनल नर्व में एंटर दोबारा नहीं हुई, इफेक्टर में अपना रास्ता इख्तियार करके चली गई और इफेक्टर को जाके सप्लाई कर दिया, ये दूसरा रास्ता हो गया। तीसरा रास्ता क्या हो सकता है, तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि स्पाइनल नर्व उसी तरह से निकली थी ग्रेटर रमाई कम्युनिकेंस के जरिए आई सिम्पथेटिक चेन में, लेकिन सिम्पथेटिक चेन में उसने सिनैप्स नहीं किया, यहाँ से वो वाइट रमाई के जरिए आई थी, यहाँ से उसने सिनैप्स किए बगैर ग्रेटर रमाई में से
गुजर के दोबारा स्पाइनल नर्व में चली गई, और स्पाइनल नर्व में अब उसने गई है, ठीक है, स्पाइनल नर्व में दोबारा एंटर हुई है, पहली दोनों स्पाइनल नर्व में एंटर नहीं हो रही थी, और चली गई टुवर्ड्स द इफेक्टर। और इस वाली जो स्पेशल पाथवे है कि वो वाइटर माई कम्युनिकेशन के जरिए सिम्पैथेटिक चेन में आएगी और फिर ग्रेटर माई के जरिए लीव करके दोबारा से चली जाएगी टुवर्ड्स द इनसाइड द स्पाइनल नर्व। ये सिर्फ तीन तरह के इफेक्टर्स पे जाती है, एक होते हैं पाइलोरेक्टर मसल्स पे जा सकती है, या फिर स्केलेटल मसल के स्वेट ग्लैंड्स पे जा, स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल्स पे जा सकती है, या स्वेट ग्लैंड्स पे जा सकती है, स्केलेटल मसल ब्लड वेसल्स। तो ये तीन तरह के फैक्टर्स हैं जिन पे ये आते। तो तीसरा रास्ता हमारा ये वाला हो गया, जिसमें हमने कहा कि वो सिम्पैथेटिक चेन में एंटर होके दोबारा से लीव करेगी, उसको स्पाइनल नर्व में एंटर होगी, और फिर पाइलोरेक्टर मसल्स यानी जो आपके हेयर वाले पोर्शन होते हैं उसमें स्केलेटल मसल की ब्लड वेसल्स में स्वेट ग्लैंड्स में सप्लाई कर देगी। तीन रास्ते हो गए, लेट अस सी द फोर्थ वे। चौथा रास्ता क्या है? चौथा रास्ता ये होता है कि स्पाइनल नर्व यहाँ से निकले स्पाइनल कॉर्ड से, उसी तरह से वाइटर माई कम्युनिकेशन के जरिए एंटर हो इनसाइड द सिम्पैथेटिक गैंगलिया सिम्पैथेटिक चेन, सिनेप्स ना करे, याद रखना सिनेप्स नहीं करना, इसने इसको छोड़ के वापस बाहर निकल आए, स्पाइनल नर्व में भी ट्रेवल ना करे, चली जाए टूवर्ड्स अ प्रीवर्टिब्रल गैंग्लिया कोलैटरल गैंग्लिया जैसे स्पीरियम मेसेंटेरिक है सीलिएक है, यहाँ पर आके सिनेप्स करे और फिर जाके इफेक्टर को सप्लाई करे। तो ये हो गया हमारा चौथा रास्ता। लास्ट इज द पांचवा रास्ता। पांचवा रास्ता इज स्पेसिफिक फॉर एड्रीनल मेडल्ला, एड्रीनल जो आपका ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर पड़ा हुआ होता है ऐसे, उसके लिए स्पेसिफिक है। होता क्या है, पहले बात सुनने की, एड्रीनल मेडल्ला वॉज कंसिडर्ड एज अ न्यूरॉन जब डेवलपमेंट हुई थी, जब डेवलपमेंट हुई थी कहते हैं डेवलपमेंट भी नहीं, जब एवोल्यूशनरी चेंजेस हुए थे बंदा बन रहा था, तो पहले कहा जाता है कि जो एड्रीनल मेडल्ला में से जो एड्रीनल मेडल्ला की जगह पर हुआ करते थे वो सेल्स नहीं थे बल्कि पूरी पूरी न्यूरॉन्स थी। ये पूरी न्यूरॉन्स थी जो यहाँ प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन इनके पास आती थी, इनके साथ सिनेप्स करती थी, यहाँ पर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन बनती थी और फिर वो चली जाती थी टुवर्ड्स द इफेक्टर इफेक्ट करने। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो एड्रीनल मेडल्ला जो न्यूरॉन हुआ करती थी पहले, ये आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस करता गया और इतना रिग्रेस कर गया कि अब ये सिर्फ और सिर्फ सेल्स की फॉर्म में यहाँ पर रह गया एड्रीनल मेडल्ला में, और ये सेल्स फिर अपना एक्शन सिक्रीशन की फॉर्म में पोर कर देते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन और डोपामीन की तरह, जिन्हें हम कैटेकोलामीन्स कहते हैं। इसीलिए पांचवा रास्ता ये होता है कि यहाँ से नर्व निकलती है, आती है इनसाइड द सिम्पैथेटिक चेन, सिनेप्स नहीं करती, बाहर आ जाती है और एड्रीनल मेडल्ला में चली जाती है, और एड्रीनल मेडल्ला में जाके दोबारा सिनेप्स करती है, जो कि पहले किसी ज़माने में एक नर्व या न्यूरॉन हुआ करती थी, अब वो सेल रह गई, यहाँ के सिनेप्स करके पोस्ट गैंग्लियोनिक होती है और यहाँ से फिर सिक्रीट हो जाते हैं एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन डोपामीन, जो कंसिडर किए जाते हैं न्यूरो हार्मोन्स, क्योंकि पहले ये नर्व हुआ करते थे अब हार्मोन की फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। तो ये आपके पास पाँच तरीके हो गए, ठीक है, जो रिपीट करके देख लें जिसे ना समझ आए, बाकी बातें नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।